फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ, जो कि है स्किन केयर रूटीन। जी हाँ, ये जितना सुनने में आसान लगता है एक स्किन केयर रूटीन, वो उतना ही मुश्किल है उसे एक हैबिट बनाना और रूटीन बना के इसे फॉलो करते रहना। अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हो तो इट्स वेरी गुड, बट जो लोग स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते, मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे स्किन के जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक्ने, पिंपल्स, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, डार्क सर्कल्स का होना, स्किन में ग्लो नहीं रहना, स्किन में इलास्टिसिटी नहीं रहना, स्किन में रिंकल्स आना, एज से पहले एजिंग दिखना स्किन की, हम अगर एक अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते तो हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑलमोस्ट 50-60% नहीं पे से हम सॉल्व आउट कर सकते। अब स्किन केयर रूटीन का ये मतलब नहीं कि हम बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लाए, इसे अप्लाई करें, हम इंतज़ार करें कि हमारी स्किन इसे रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। जी नहीं, जो प्रोडक्ट्स हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, हम उसी को कोई सही तरीके से इस्तेमाल करके एक कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन जो हमारा खुद का है हम उसे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, ये बन जाता है एक कस्टमाइज स्किन केयर रूटीन जो हमने डिज़ाइन किया है हमारे खुद के स्किन के अकॉर्डिंगली, हमारे प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए। और एक अच्छी स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ में लगते हैं 5-7 मिनट, और अगर आप ये 5-7 मिनट डेली अपनी स्किन को देते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस, ग्लोइंग, रिंकल्स भी बनी रह सकती है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि एक स्किन केयर रूटीन में बेसिक स्टेप्स जो है वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है एक अच्छी स्किन केयर रूटीन का, वो होता है फेस वॉश का। जी हाँ, फेस वॉश का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि वो हमारे स्किन को लादर अप करे, हम उसे वॉश कर दे और फेस वॉश का काम खत्म। जी नहीं, हमारी स्किन रेगुलरली काफ़ी सारे पल्यूटेंट्स को एक्सपोज होती है, काफ़ी सारे हमारी स्किन के ऊपर डस्ट, डिब्रीज जमा होती है, काफ़ी सारा ऑयल जमा होता है, और उसके साथ साथ हमारी स्किन को जो टॉप मोस्ट लेयर है वो रेगुलरली शेड ऑफ होती रहती है। एक अच्छे फेस वॉश का काम है कि ये सारी चीज़ें वो अच्छी तरीके से वॉश ऑफ कर दे, ताकि हमारी स्किन में जो क्लीनलीनेस है वो बनी रहे। सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फेस वॉश, बट फेस वॉश फैन होने का ये मतलब नहीं कि हम मार्केट से काफ़ी सारे फेस वॉश लेके आए, हम उसे अपने स्किन पे अप्लाई करें और फिर हम ऑलरेडी हमारी स्किन को ख़राब करें और फिर टारगेट करें उसके ट्रीट करने के लिए। जी नहीं, एक अच्छे फेस वॉश का काम ये है कि हमारी स्किन से वो डेड डिब्रीज, ये जो डेड सेल है, जो इम्प्योरिटीज़ है, जो मेकअप रेसिड्यूज़ है, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन कर सके। उसके अलावा एक फेस वॉश का ये भी काम होता है कि ये जो स्किन के नेचुरल असेंशियल ऑयल्स है इससे ज़्यादा ड्राई अप ना करें। अगर फेस वॉश करने के बाद हमें हमारी स्किन बहुत टाइट फील होती है, रेडनेस लगती है, अगर ड्राइनेस फील होती है, दैट मीन्स कि ये फेस वॉश हमारे स्किन को सूट नहीं कर रहा है। हमें चाहिए एक फेस वॉश से फेस को सिर्फ क्लीन करे, ये हमारे स्किन के मॉइस्चर को लॉस ना करे, स्किन के अंदर जो ऑयल है इसे बैलेंस करके रखे। सेकेंडली, जो फेस वॉश होते हैं वो हर एक स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली होते हैं। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली आप ऐसा फेस वॉश करें जो आपके टारगेट प्रॉब्लम्स का सलूशन हो, जैसे कि अगर आपके स्किन में प्रॉब्लम है एक्ने के, पिंपल्स के, तो आप यूज़ करेंगे सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश, बेंजोइल पेरोक्साइड वाला फेस वॉश। अगर आप चाहते हो कि आपके स्किन के अंदर एक अच्छी फेयरनेस मेंटेन रहे, एक अच्छी इलास्टिसिटी मेंटेन रहे, आपके स्किन में ब्लेमिशेज ना हो, फ्लॉलेस रहे, तो आपको चाहिए आप विटामिन सी वाला फेस वॉश यूज़ करें, कॉजिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ करें, मलबरी एक्सट्रैक्ट वाला फेस वॉश, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट वाला। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बहुत अच्छा फेस वॉशेस के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अब ये फेस वॉश हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जिससे हमारी स्किन क्लीन हो जाएगी। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये होता है टोनर्स का इस्तेमाल करना। एक अच्छे टोनर्स का काम होता है कि ये स्किन के पीएच को बैलेंस करके रखे, और जो कुछ भी हमारे स्किन के पोर्स ओपन हुए हैं फेस वॉश करते समय इसके क्लोज करे, ताकि ये जो पोर्स है ये काफ़ी एक्सपोज्ड ना दिखे। सो एक अच्छे टोनर का काम है कि ये पीएच बैलेंस करे, और हमें टोनर्स इस्तेमाल करना है विद इन 10 सेकेंड्स। जैसे हमने फेस वॉश कर लिया,
10 सेकंड्स के अंदर हमें हमारा फेस वॉश लेना है। या तो आप इसे कॉटन पैड पे लीजिए, टैप टैप करके लगाइए, या फिर डायरेक्टली हम इससे डायरेक्टली फेस पे स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारी स्किन के पोर्स है इसे मिनिमाइज करेगा, श्रिंक करेगा, हमारी स्किन के पीएच को मेंटेन करके रखेगा, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करके रखेगा, स्किन को रिवाइव करेगा। अब आती है थर्ड स्टेप की बारी, जो कि ऑप्शनल है, बट अगर आप करते हो तो आप इतना फ्लॉलेस रिजल्ट देखोगे अपनी स्किन के अंदर, इतना फिनोमिनल चेंजेस बताती है, ये होते हैं सेरम्स। जी हाँ, सेरम्स। नाउ व्हाट आर द सेरम्स? सेरम्स जो है ये एक हायर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो हमारी स्किन के डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट करते हैं। जो मॉइस्चराइजर्स है ये हमारे सिर्फ बेसिक ऊपर की जो लेयर्स है, कुछ दो तीन लेयर्स उसी तक टारगेट करते हैं और उसी के अंदर पेनिट्रेट होते हैं, बट जो सेरम्स होते हैं वो हमारे स्किन के काफ़ी डीपर लेयर्स तक पेनिट्रेट होके हमारी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से हमारी स्किन बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाना शुरू करती है। विद इन, अंदर से हमारी स्किन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। सो आपको चाहिए कि एक अच्छे सेरम्स में इन्वेस्ट करें, बहुत कॉस्टली नहीं, बट एक नॉर्मल अफोर्डेबल अगर हम लोग सेरम्स इस्तेमाल करते सो आप नोटिस करोगे कि हमारी स्किन कितना चेंजेस यूज करते। प्लीज एक बार आप सेरम्स आपकी स्किन के रूटीन में फॉलो करके देखिए और आप जो चेंजेस ऑब्जर्व करोगे वो खुद आप मुझे बताना कि आप क्या चेंजेस नोटिस कर रहे हो। सो डू इंक्लूड अ गुड सेरम्स इन योर फेस वॉश, इट मेक्स अ कंप्लीट चेंज इन टू अ स्किन केयर रूटीन। अब सेरम्स के बाद आ गई है बारी मॉइस्चराइजर्स की। अगेन जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं ये स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली डिजाइन होते हैं, ठीक है। अब स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली डिजाइन होने का मतलब ये है कि अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हमें चाहिए कि हम वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स है उनका इस्तेमाल करें। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर हमारे स्किन को एक्सेसिव ऑयली नहीं बनाते, इसके अलावा जो ऑयल बैलेंस है वो भी बना के रखते। हमें चाहिए कि हम जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें अगर हमारी स्किन ऑयली है, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करें, या तो फिर हम नॉर्मल जो लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स है हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हमें चाहिए हम हैवी मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करें, हम हैवी क्रीम वाले मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करें, हम ऑइंटमेंट इस्तेमाल करें ताकि वो हमारी स्किन को काफ़ी अच्छी तरीके से नरिशमेंट दे सके, काफ़ी अच्छी तरीके से हाइड्रेशन दे सके, इफ़ एंड इफ ओनली यू आर हैविंग अ ड्राई स्किन। कभी भी मॉइस्चराइजर्स पिक करते टाइम उसके ऊपर हमें चेक करना चाहिए कि वो किस स्किन टाइप के लिए बना है। अगर हम राइट स्किन टाइप के मॉइस्चराइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वी आर गोइंग टू मेस अप विद आवर स्किन। हमें एक अच्छे मॉइस्चराइजर्स के टाइप के अकॉर्डिंगली मॉइस्चराइजर्स पिक करना है। तो ये होगी मॉइस्चराइजर्स की बात। इसके बाद आती है अगर हम दिन में यूज कर रहे हैं सनस्क्रीन तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इफ इट इज अ डे टाइम, अगर आप घर में हो, अगर आप बाहर जा रहे हो और दिन का टाइम है तो आपको चाहिए बाय डिफॉल्ट सनस्क्रीन का यूज करना। जी हाँ, सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन इज द की टू अ गुड स्किन। देखिए, ये जो UVA और UV रेडिएशन से ही हमारी स्किन को बहुत डैमेज करती है। ये हमारी स्किन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का रीज़न है, जैसे कि ये रिंकल्स कॉज कर सकती है, पिगमेंटेशन कॉज कर सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर सकती है, फाइन लाइन्स आना शुरू होती है, हमारी स्किन की एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है ये UVA और UV रेस की वजह से। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन को इंक्लूड करना ना भूले। जैसे सेरम्स एक बहुत फिनोमिनल इफेक्ट दिखाते हैं, वैसे सेरम्स के बाद सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा रिजल्ट बताती है। सो डू यूज अ सनस्क्रीन इन योर डेली स्किन केयर रूटीन। ये हो गई डे केयर की बात। अगर हम लोग डे केयर में हैं, अगर हम लोग रात के टाइम में मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हैं और अगर हम हमारे अर्ली 20s में हैं तो मॉइस्चराइजर्स आर सफिशिएंट, बट अगर हम हमारे लेट 20s में हैं, जैसे कि 27, 28 एंड सो ऑन, हमें चाहिए कि हम एक अच्छे नाइट केयर में इन्वेस्ट करें। अगर आपकी स्किन में काफ़ी जल्दी फाइन लाइन्स और रिंकल्स दिखना शुरू हो गई है सो आपको चाहिए कि आप रेटिनॉल बेस्ड नाइट क्रीम यूज़ करना शुरू कर दें। बट अगर आप
नॉर्मली थोड़े बहुत साइंस ऑफ एजिंग देखना शुरू कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल नाइट केयर रूटीन्स में, नॉर्मल नाइट केयर क्रीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो नॉर्मली एक अच्छे स्किन केयर रूटीन फॉलो करने को 5 से 7 मिनट लगते हैं, जिसमें हमने फेस वॉश यूज़ कर लिया, टोनर्स यूज़ कर लिए, सेरम्स यूज़ कर लिए, डे टाइम है तो सेरम्स के बाद हमें यूज़ करना होता है मॉइस्चराइजर्स, डे टाइम में सनस्क्रीन और नाइट टाइम में नाइट क्रीम। ये हो गई हमारी एक परफेक्ट स्किन केयर रूटीन, जो हम हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, स्किन के अंदर जो हमें प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स है उसके अकॉर्डिंगली हमने चूज़ की और हम हमारे कस्टमाइज स्किन केयर रेडी के साथ रेडी है। अब आती है एक दिन ऐसी बात जो हमारे स्किन को चाहिए होता है, कंप्लीट फास्टिंग। सो एक दिन ऐसा डिसाइड कर ले जो हमारी स्किन के लिए कंप्लीट स्किन फास्टिंग डे हो। इस दिन हम हमारे फेस वॉश करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारी स्किन है वो काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली अडैप्ट करना शुरू करेगी, काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना शुरू करेगी। सो दिन में से, हफ्ते में से एक दिन ऐसा बना ले जिस दिन आप एक भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट विल बी अ कंप्लीट स्किन फास्टिंग डे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ बेसिक स्किन केयर रूटीन। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको साथ लाते रहूँ, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहूँ, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जो वहाँ पर बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपने न्यू वीडियोज़ पोस्ट करती रहूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाय बाय।